नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल फिन वॉच पे। एनएचपीसी के शेयर में अभी एक तेजी बन रहा है, तो इसको लेके जो हम लोगों ने दिन पहले वीडियो बनाया था डिटेल में, जो है बहुत सारे इसको लेके वीडियोस बनाया था, और शेयर का प्राइस जो है लगभग 80 या 81 रुपीज के आसपास चल रहा था। तो वहां पे बताया था कि टेक्निकली जो है शेयर थोड़ा बहुत ही ऐसे तेजी बना सकता है। आप देख सकते हैं शेयर का प्राइस जो है 84.75 पैसे के आसपास आ गया है। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये शेयर गिरावट बनाएगा, बहुत सारे लोगों का मानना है कि ये शेयर जो है तेजी बनाएगा। देखिए, हर एक का अलग अलग रिसर्च रहता है, और हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हम लोग जो इन्फॉर्मेशन देते हैं वही आपको फॉलो करना चाहिए। हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, सिर्फ मार्केट में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहता है वही आपको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अभी एनएचपीसी को लेके देखेंगे तो बहुत बड़े अपडेट्स आए हैं, बहुत सारे चेंज देखने को मिल रहा है एनएचपीसी में, जिसके चलते अगर आप देखेंगे ये शेयर जो यहाँ से बूम हो रहा है। एनएचपीसी जो है फंड रेज कर रहा है, और भी बहुत सारे ऐसे अपडेट्स हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे एनएचपीसी के शेयर को लेके और क्या चल रहा है एनएचपीसी में, जिसके चलते ये शेयर थोड़ा बहुत और तेजी बना सकता है। रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिन वॉच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। शेयर मार्केट से जुड़े कंटेंट पाने के लिए सब्सक्राइब आपके लिए फ्री है, हमें बहुत सपोर्ट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं स्टॉक की बातें दोस्तों। एनएचपीसी का शेयर यहां पे देख सकते हैं, एक दिन में जो है 2.3% का इसने जंप हुआ है, इस शेयर में रिटर्न दिया है, और वही एक हफ्ते में 8.5% का रिटर्न दिया है। एक महीने में देखते हैं तो 10.6% का शेयर डाउन हुआ था एनएचपीसी का। तो अभी यहां पे इसका जो ड्यूरेबिलिटी है एनएचपीसी का वो है 65 out of 100, वैल्यूएशन 41.70 out of 100, मोमेंटम 52.90 out of 100। अभी एनएचपीसी का यहाँ पे देखते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। एक महीने में देखिए, एक महीने में एनएचपीसी के शेयर में जो इसने एक हाई प्राइस बनाया था, जिसके चलते इन्वेस्टर्स को लगा था कि ये शेयर जो है बहुत ज्यादा और तेजी बना सकता है। एक दिन मतलब एक महीने का जो हाई प्राइस है 19.70 पैसा तक ये शेयर पहुंच गया था, और उसके बाद शेयर में जो इसमें एक लो प्राइस बनाया था जो था 73.60 पैसे का। एक हफ्ते का हाई प्राइस देखते हैं दोस्तों, 87.80 पैसे का था, और जो लो प्राइस था 73.60 पैसे का। कंपनी का एनएचपीसी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 84,930.8 करोड़ का है। प्राइस टू बुक रेशियो 2 है, जो इस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत कम है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है। तो शेयर का प्राइस देखिए, शेयर का प्राइस जो एनएचपीसी का यहां से भी बढ़ सकता है। अभी टेक्निकली शेयर कैसा है ये इन्फॉर्मेशन अभी का देख रहे, हो सकता है कि जब आप शेयर खरीदे तभी टेक्निकली इन्फॉर्मेशन कुछ और रहे इसमें। अभी फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन है टेक्निकली वही यहाँ पे शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जहां पे टेक्निकली शेयर जो है एक न्यूट्रल लेवल पे चल रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे न्यूट्रल लेवल बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। आरएसआई इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है एनएचपीसी का ना कि ओवरबॉट लेवल पे है ना कि ओवरसोल्ड लेवल पे, और मैकडी इंडिकेटर कह रहे जो शेयर है एक बोल सकते हैं बेयरिश लेवल यहाँ पे बना रहा है। देख सकते हैं एक दिन का दोस्तों बीएससी और एससी मिला के एवरेज देखते हैं एनएचपीसी का, जो कि 76 मिलियन का है। डिलीवरी परसेंटेज देखिए 18.2 मिलियन का है, और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 13.8 मिलियन का है। एक हफ्ते का बीएसएनएल से मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 139.4 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 18.8% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 26.2 मिलियन का है। एक महीने का बीएसएनएल से मिला के एवरेज देखने को मिल रहा है 111.8 मिलियन का। डिलीवरी परसेंटेज 23.4% का है, और डिलीवरी वॉल्यूम जो है 26.1 मिलियन का है। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी परसेंटेज जो है घटता हुआ देखने को मिल रहा है, डिलीवरी वॉल्यूम यहाँ पे घटता हुआ देखने को मिल रहा है। थोड़ा शेयर होल्डिंग का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जो आगे जाके देखेंगे हम लोग इसमें जो क्या चल रहा है। देखिए एनएचपीसी में अभी बहुत सारे चीज चल रहा है, उसको लेके हम लोगों ने डिले में वीडियो भी बनाया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट मिले हैं, कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। तो एनएचपीसी को लेके बहुत सारी चीज है जो हम लोग आगे इस वीडियो में देखेंगे। शेयर होल्डिंग जो है शेयर होल्डर्स के पास, मतलब प्रोमोटर्स जो है प्रोमोटर्स के पास देखिए 70.95% का स्टेक है। FIs के पास 7.38% का स्टेक है, म्यूचुअल फंड के पास 8.17% का स्टेक है, अदर इंस्टीट्यूशन के पास 6.78% का स्टेक है, और पब्लिक के पास 6.73% का। तो दोस्तों अभी एनएचपीसी में ऐसा क्या हुआ है एनएचपीसी की कंपनी में, जिसके चलते इन्वेस्टर्स यहाँ पे खरीदारी शुरू कर दिया है एनएचपीसी के शेयर में, क्यों तेजी बना। अभी शेयर का प्राइस 80 या 81 के आसपास चल रहा था, और अभी 84 के आसपास पहुंच गया है। तो क्या ऐसा चल रहा है, तो थोड़ा यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा। एनएचपीसी जो है इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया है कि 27 मार्च को 24 को कंसिडरिंग रेजिंग डेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर
24 से लेके 25 तक। थोड़ा इसको डिटेल में अगर समझते हैं हम लोग, तो मीटिंग जो है यहाँ पे एनएचपीसी का एक बोर्ड मीटिंग रखा गया है जो कि 27 मार्च को होगा, 27 मार्च 2024 को होगा, टू इंटर अलिया कंसिडर द प्रपोजल फॉर राइजिंग ऑफ डेप्ट ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23 से लेके 24 और 24 से लेके 25। एनएचपीसी जो है ये बताया है एक प्रेस रिलीज में। एनएचपीसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो यहाँ पे मीट करेगा, जहां पे एक फंड रेज भी किया जाएगा। एनएचपीसी जो है इसका अगर थोड़ा डिटेल में देखते हैं, जहां पे कंपनी का जो हाइड्रो पावर का बिजनेस है वो ग्रो कर रहा है, और इसको लेके अगर देखेंगे तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी एनएचपीसी को कुछ दिन में मिला है। एनएचपीसी जो कि लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हाइड्रो पावर का, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट का इंडिया में, एंड इसका देख सकते हैं इसका जो डाइवर्सिफाइड है द फील्ड ऑफ सोलर एंड विंड पावर, मतलब सिर्फ हाइड्रो पावर में इसका बिजनेस जो है, हाइड्रो पावर डेवलपमेंट में इसका बिजनेस नहीं है, इसका देखते हैं तो सोलर और विंड पावर में भी एक बिजनेस है, और इसको लेके भी जो है बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट इसको सोलर का भी मिलता है और विंड पावर का भी मिलता है। एज ऑफ 31 दिसंबर देखते हैं तो गवर्नमेंट के पास जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास सबसे ज्यादा स्टेक है एनएचपीसी का, जो कि 70.90। अभी यहाँ पे एनएचपीसी का जो बोल सकते हैं कि जो पावर जनरेशन कंपनी है रिपोर्टेड 26.76% डिक्लाइन इन कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट, जो कि 491.90 करोड़ हुआ था Q3 फाइनेंशियल 24 में। तो ये भी इन्फॉर्मेशन थोड़ा यहाँ पे शेयर कर रहे हैं कि कंपनी कैसा चल रहा है एनएचपीसी का। एनएचपीसी का जो Q3 24 का रिजल्ट आया था उसमें देख सकते हैं आप, मतलब जो Q3 24 का रिजल्ट आया था उसमें कुछ कंपनी का खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला था, मतलब इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट बना था 26.76% का, जो कि 491.90 करोड़ का हुआ था, जो कि इसके पहले देखते हैं तो 671.67 करोड़ का था और Q3 फाइनेंशियल 23 में, मतलब एक साल पहले इसी क्वार्टर का। अभी रेवेन्यू की बात करते हैं एनएचपीसी का, जो रेवेन्यू हुआ था Q3 24 में ऑपरेशन से उसमें भी गिरावट बना था, जो कि 20.41% का गिरावट था ईयर ऑन ईयर, जो कि 55.50 करोड़ का हुआ था। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कंपनी का, एनएचपीसी का, मतलब ऐसे कुछ चीजें हैं जिसके चलते इन्वेस्टर्स को लगा था कि मतलब ये शेयर जो है आगे चल के तेजी नहीं बना सकता है, तो उसके चलते शेयर देखेंगे तो एक गिरावट भी बनाया था, और अभी ऐसे कुछ अपडेट देखने को मिलता है या फिर मिल रहा है जिसके चलते एक फिर से एक बुलिश पैटर्न बन सकता है एनएचपीसी के शेयर में। अभी एनएचपीसी को देखते हैं तो कुछ दिन पहले जो है लगभग 847 करोड़ का जो है एनएचपीसी को एक ऑर्डर मिला है, जो मिला है जीयूवीएनएल से एक ऑर्डर मिला है, कॉन्ट्रैक्ट मिला है एनएचपीसी को 847 करोड़ का। और अगर देखते हैं तो ये भी गुजरात का कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है एनएचपीसी को मिल रहा है। और देखेंगे दोस्तों तो मतलब एनएचपीसी को जो उत्तर प्रदेश में जो है, उत्तर प्रदेश में एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है जो कि लगभग बोल सकते कि 1200 करोड़ का, माफ कीजिए 1200 मेगावाट का, 1200 मेगावाट जो है इसको वहां पे बिल्ड करना है, सोलर पार्क प्रोजेक्ट जो है वो मिला है उत्तर प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं मतलब कंपनी जो है एनएचपीसी को इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि ठीक है इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट क्यों नहीं हो रहा है जनरेट, तो कंपनी का रेवेन्यू जनरेट क्यों नहीं हो रहा है। तो वो भी हो सकता है कि कंपनी का जो एनएचपीसी का जो प्रॉफिट रेवेन्यू है आगे चल के नेक्स्ट क्वार्टर में एक अच्छा खासा रेवेन्यू वगैरह जनरेट करे। फिलहाल जो अभी का इसका बिजनेस देखने को मिल रहा है और इसका ऑर्डर भी देखते हैं आप, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्डर्स मिल रहा है जो कंपनी को स्ट्रांग बना रहा है एनएचपीसी को, जहां पे इसको 847 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। और उसके बाद देखेंगे तो यूपी में जो है, उत्तर प्रदेश में जो इसको 1200 मेगावाट जो है डेवलप करने का, बनाने का सोलर पार्क, जो 1200 मेगावाट सोलर पार्क जो है बनाने का प्रोजेक्ट मिला है यूपी में। और यहाँ पे देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एनएचपीसी को कुछ दिन में मिले हैं दोस्तों, जो एनएचपीसी को स्ट्रांग बना रहा है, एनएचपीसी कंपनी को स्ट्रांग बना रहा है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्क्लेमर देना चाहेंगे, हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहते कि कोई भी शेयर आपको खरीदना चाहिए या बेचना चाहिए। रिक्वेस्ट करते हैं जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं खुद से जरूर रिसर्च कर लीजिए, हम लोग से भी रजिस्टर्ड नहीं है। उम्मीद है दोस्तों जो भी इन्फॉर्मेशन दिया है अच्छा लगा रहेगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल फिनोवेश को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए।